ऐसे कीवर्ड्स कैसे ढूंढें जिन पर आपकी साइट 5 दिन के अंदर रैंक हो जाए, या आप चाहते हैं कि आप भी हमारी तरह $300 से $500 पर डे की अर्निंग करें फ्रॉम गूगल एडसेंस, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेब बीस्ट। इस वीडियो में हमने एक निश को कवर करके उस निश के डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स को कैसे आपको रिसर्चिंग करनी है यूजिंग गूगल कीवर्ड प्लानर, जो कि एक गूगल का फ्री टूल है, जिसको यूज करके हमने अपने 5 साल में अपनी बहुत सारी साइट्स को रैंक करवाया है, जिनसे हमें मंथली $10,000 से ज्यादा की अर्निंग होती है। अगर आप हमारे लाइव एडसेंस और एनालिटिक्स प्रूफ देखना चाहते हैं तो वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते हैं, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, मैं आपको एक और बार फिर से बोल देता हूँ, आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना बिना स्किप करे। अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो इस वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देखना, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कीवर्ड रिसर्चिंग नहीं समझ आई तो मैं यही कहूंगा कि आपको ब्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए। हमने इस वीडियो के अंदर 3 कीवर्ड्स बताए हैं ऑन अ सिंगल निश, जिस पर आप विद इन 10 डेज आप अपनी किसी भी न्यू ब्लॉग को रैंक करवा सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में दिए हुए प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट करेंगे ऑन योर ब्लॉग, और अगर आप इस वीडियो में बताए हुए निश पर, टॉपिक्स पर, कीवर्ड्स पर वर्क करेंगे, तो आई गारंटी यू कि आपकी साइट विद इन 10 डेज रैंक हो जाएगी ऑन गूगल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको इसी तरह की कीवर्ड रिसर्चिंग चाहिए और किसी निश पर, तो आप प्लीज इस वीडियो पे लाइक कर दीजिए। अगर इस वीडियो पे 300 लाइक्स आ जाते हैं तो हम ऐसी ही वीडियो एक और लेके आएंगे कीवर्ड रिसर्चिंग पर, इन डेप्थ वीडियो, जिस पे हम किसी और निश को कवर करेंगे। उसमें भी हम रिवील करेंगे कुछ ऐसे कीवर्ड्स जिन पर आप अपनी ब्लॉग को क्रिएट करके अपनी साइट को विद इन डेज रैंक करवा सकते हैं। सो चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे। सो ये है गाइस कीवर्ड प्लानर का होम पेज। यहाँ से सबसे पहले हम अपना कीवर्ड्स को रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से निश पे वर्क करने वाले हैं। इस पूरी वीडियो के दौरान मैं एक निश को कवर करूंगा, दैट इज योगा एंड प्राणायाम। सो गाइस, सबसे पहले मैं अब अपने इस कीवर्ड प्लानर पे रिसर्च करना स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा कीवर्ड है योगा, सो पे इसके बहुत सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं जो कि गूगल पे सर्च होते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है कि योगा जो कीवर्ड है, इसके जो एवरेज मंथली सर्चेज हैं, दैट इज बिटवीन 1 लाख to 10 लाख। और ये जो कंपटीशन है, ये उसका गूगल रैंकिंग का कंपटीशन नहीं है, ये इसकी बिडिंग का कंपटीशन है कि बहुत कम लोग इस कीवर्ड पे अपनी पोस्ट को बूस्ट करवा रहे हैं या उस पर एड्स को लगवा रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि इसका जो बिडिंग है वो बहुत कम है इसका प्राइस। तो अगर आप इस कीवर्ड को फोकस करेंगे तो आपको जो सीपीसी का लोएस्ट वैल्यू मिलेगा, दैट विल बी 1.38। और हमने यहाँ पे कंट्री को जो सिलेक्ट किया है, दैट इज इंडिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने लोकेशन सिलेक्ट किया हुआ है, दैट इज इंडिया। तो अगर आप आउटर कंट्रीज के लिए कर रहे हैं, उसके लिए भी हम एक स्पेशल वीडियो ले आएंगे कि आप फॉरेन की कंट्रीज के कीवर्ड्स को कैसे रैंक करवा सकते हैं यूजिंग कीवर्ड प्लानर टूल, और उनका भी एसईओ कर सकते हैं। सो गाइस, इस कीवर्ड के लिए आपको जो मैक्सिमम सीपीसी मिलेगा, दैट विल बी ऑफ 12.40 के अराउंड। मतलब ये तो एक बिडिंग का रेंज है, गूगल उसके हिसाब से आपको सीपीसी का वैल्यू देगा। तो आप इसे जज कर सकते हैं कि योगा कीवर्ड के बजाय अगर आप यहां पे जैसे ये देख सकते हैं कुंडलानी योगा है, तो इसके लिए आपको जो मैक्सिमम जो बिड लग रहा है, दैट इज 112 रुपीज। सो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन से निशेज पे वर्क करना है, कौन से सब निश पे वर्क करना है, या फिर आपको किस किस चीज के बारे में पोस्ट डालनी है। तो यहाँ से गाइज हमें ये पता लग रहा है कि योगा, अगर हम एक निश मान लें योगा को, सो जो योगा आसन है वो एक सब निश आ जाएगा, और उसके और सब निशेज हो सकते हैं हथा योगा एंड कुंडलानी योगा, अष्टंगा योगा, और भी बहुत कुछ। और यहीं से अब हमें एक दिख रहा है प्राणायाम। सो सपोज अभी हम प्राणायाम को एक बार रिसर्च करके देखते हैं। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं कि जो प्राणायाम का एवरेज मंथली सर्चेज है, दैट इज 10K to 100K। 10,000 से लेके 1 लाख यूजर्स प्राणायाम को सर्च करते हैं। अगर आपको इसका एग्जैक्ट वैल्यू जानना है इस रेंज का, तो आपको इसमें कैंपेन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जब आप कैंपेन स्टार्ट कर देंगे तो आपको एक एक्चुअल यहाँ पे वैल्यू दिखेगा जो सर्च का वॉल्यूम होगा। सो आप वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्राणायाम के लिए जो मैक्सिमम बिड है, दैट इज ऑफ 45 रुपीज, जो कि रेलिवेंटली ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले प्राणायाम को सर्च करके देखते हैं गूगल पे कौन से रिजल्ट्स मिलते हैं प्राणायाम के लिए। सो गाइस, जैसे हमने प्राणायाम को भी सर्च करा, तो प्राणायाम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 93,50,000 जो रिजल्ट्स है वो आए हैं फॉर दिस कीवर्ड प्राणायाम। तो ये वाला एक थोड़ा सा हाई कंपटीशन का कीवर्ड है, यहाँ पे रैंक करना कंपैरेटिवली मुश्किल होगा एज कंपेयर टू दीज कीवर्ड्स।
गाइस जो मेन फोकस आपको करना है वो करना है जो कि सर्चेस रिलेटेड टू दैट कीवर्ड, जो कि गूगल आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करता है पेज के सबसे नीचे या कभी कभी वो ऊपर भी रेकमेंड करता है। तो आप इन कीवर्ड्स को देखिए, इनमें से आप किसको फोकस करवा सकते हैं, क्योंकि जो भी यूजर गूगल पर प्राणायाम सर्च करेगा और जब वो स्क्रॉल डाउन करेगा तो वो इन्हीं 8 सजेशंस, जो भी यहाँ पे 8 सजेशंस आ रही होंगी, इन्हीं पे आगे जाके क्लिक कर सकता है अगर उसको ये जो 10 रिजल्ट्स हैं ये रेलेवेंट नहीं लगे तो। तो आपको इन 8 कीवर्ड्स को भी ध्यान में रखना है वाइल राइटिंग अ पोस्ट, और आपको टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए भी इनको करना पड़ेगा। यही कीवर्ड्स को आप फाइंड करने के लिए जब आप यहाँ पे गूगल पे ऊपर लिखेंगे तो इस पे जब आप स्पेस मारेंगे तो आपको यहाँ पे जो ऑटो कम्प्लीट है उसमें भी आपको दिख ही रहा होगा, जैसे ऊपर भी प्राणायाम योगा एंड प्राणायाम बेनिफिट्स, प्राणायाम ऐप, तो आप इन सभी को भी देख सकते हैं, इन सब पे भी रिसर्च कर सकते हैं जिन पे आपको लग रहा है कि कंपटीशन कम है। जैसे आगे आप चलोगे, अगर आप वीडियो को देखते रहोगे तो इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट एक ऐसा कीवर्ड भी बताऊंगा जिसमें बहुत कम कंपटीशन है, सो आप उस पे वर्क करके अपनी साइट पे इनिशियल ट्रैफिक लेके आ सकते हैं और उस इनिशियल ट्रैफिक को यूज करके आप योगा एंड प्राणायाम में भी रैंक कर सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए आप। सो सपोज गाइज अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा प्राणायाम टेक्निक्स फॉर बिगिनर्स, तो आपको जब भी किसी भी कीवर्ड पे फोकस करना तो आपको लॉन्ग ट्रेल जो कीवर्ड्स होते हैं जिनका मतलब अभी प्राणायाम पे रैंक करना मुश्किल होगा कंपेयर टू प्राणायाम टेक्निक्स फॉर बिगिनर्स के, अगर आप इसके भी आगे अगर इन हिंदी लिख देंगे तो आपका कीवर्ड और इजीली रैंक हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे फॉर फ्री अगर लिख देंगे तो उससे भी ये भी कीवर्ड रैंक करना इजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू द शॉर्ट ट्रेलिंग वंस। सो गाइज जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप आगे आगे कीवर्ड्स को सर्च करते जा रहे हैं नीचे जो गूगल की सजेशंस हैं वो चेंज होते जा रही हैं। सो गाइज नाउ वी विल सी दिस उज्जैयी प्राणायाम। सो गाइज आपको जो चीज देखनी है, अगर ये मैं पिछले इस कीवर्ड पे देखूं, इस पे भी आपको दिख रहा होगा कि 36 लाख रिजल्ट्स ऑलरेडी गूगल पे है, 36 लाख रिजल्ट्स के साथ कम्पीट करना पड़ेगा और आपको गूगल की 10th पोजीशन पे आने के चांसेस कम हैं एज कम्पेयर टू अगर आप इसी जगह पे उज्जैयी प्राणायामा पे अपने पोस्ट लिखते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ जो गूगल पे रिजल्ट है दैट इज 1,86,000। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप पहले उस कीवर्ड की तरफ जाएं जिस पे कंपटीशन कम हो। अभी आप बोलेंगे कि इसका सर्च वॉल्यूम देखते हैं, तो गाइज ऑब्वियसली हम इसके सर्च वॉल्यूम देखेंगे अभी। सो जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ उज्जैयी प्राणायाम, सो उज्जैयी प्राणायाम का आप देख सकते हो कि यहाँ पे सर्च वॉल्यूम ठीक ठाक है, बहुत कम भी नहीं है बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन यही चीज है अगर आप बिगिनर हैं तो आप इन्हीं कीवर्ड्स पे इजीली रैंक कर पाएंगे। सो गाइस अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं और अगर आप वेबबीस्ट के एक लॉयल सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप योगा मेडिटेशन पे वर्क करना चाहते हैं तो एक कीवर्ड तो मैंने आपको ढूंढ दिया है, आप इजीली उज्जैयी प्राणायामा पे रैंक करवा सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे उज्जैयी प्राणायाम लिखते हैं नीचे आपको यहाँ पे दिख ही रहे होंगे बहुत सारे गूगल ने ऑटो कंप्लीट पे अपने सजेशंस दिए हैं, आप दूसरी पोस्ट लिखिए उज्जैयी प्राणायाम स्टेप्स, उज्जैयी प्राणायाम बेनिफिट्स, आप इन सब पे इंडिविजुअल पोस्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप इन सब पे एक कॉमन पोस्ट लिख सकते हैं। गाइज अगर आप बिगिनर हैं तो वी वुड सजेस्ट कि आप इन सब पे अलग अलग पोस्ट लिखिए, आप हर एक पोस्ट की लेंथ को 500-700 वर्ड्स रखने की कोशिश करें और अगर हो सके तो उससे ज्यादा को भी ट्राई करें। सो गाइज अगर आप उज्जैयी प्राणायाम पे रैंक करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन रिलेटिवली कम है, इसमें सिर्फ 1,86,000 रिजल्ट्स ही हैं ऑन गूगल, तो आप अगर इन सभी कीवर्ड्स पे जो आप गूगल के ऑटो कंप्लीट सजेशंस में दिख रहे हैं लाइक उज्जैयी प्राणायाम डायग्राम, उज्जैयी प्राणायाम डेफिनेशन, उज्जैयी प्राणायाम इन हिंदी, और इसको अगर आप हिंदी में लिख देंगे बेनिफिट्स फॉर थायराइड कैसे करें इन इंग्लिश, बेनिफिट्स इन हिंदी, तो ऑब्वियसली आपकी साइट बहुत जल्दी रैंक हो जाएगी। और गाइस जब हम यहाँ पे गूगल के रिलेटेड सर्च वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत कुछ इन तमिल इन तेलुगु भी सर्च कर रहे हैं लोग, अगर आप तमिल जानते हैं या आप तेलुगु जानते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं, आप कन्नड़ जानते हैं तो आप उसमें भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको हिंदी ही आनी चाहिए, हिंदी के भी सर्चेस हैं। यू कैन ऑल्सो राइट एन आर्टिकल ऑन उज्जैयी प्राणायाम आर्ट ऑफ लिविंग, इनके सर्च वॉल्यूम्स तो कम होंगे लेकिन दिस विल गिव यू द इनिशियल ट्रैफिक और अल्टीमेटली इसी इनिशियल ट्रैफिक को आप इंटरनल लिंक्स के थ्रू अपने दूसरे आर्टिकल्स को रैंक करवा सकते हैं, और ओवर द पीरियड जब आपकी साइट की अथॉरिटी अच्छी हो जाएगी, आपकी साइट पे गुड अमाउंट ऑफ इनिशियल ट्रैफिक आने लगेगा, तो डेफिनेटली आपके जो आर्टिकल्स हैं वो हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे भी रैंक करने लग जाएंगे लाइक प्राणायाम एंड योगा। सो गाइस जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको
कि आप कोरा से बैकलिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी पोस्ट के लिए अगर आप कोरा पे बैकलिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बस ये उज्जैयी प्राणायाम के आगे कोरा लिख दें। तो उससे क्या होगा, जो भी कोरा की पोस्ट होंगी रिलेटेड टू उज्जैयी प्राणायाम वो सब आपको दिखने लग जाएंगी। आप इनमें हर एक पे आंसर कर सकते हैं कोरा की पोस्ट पर, और वहां पर जब यूजर्स आएंगे तो वो आपकी साइट पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। गाइस अब मैं आपको एक और कीवर्ड सर्च करके दिखाता हूं जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि इन डेप्थ आप कैसे कर सकते हैं। सो गाइस जैसे हम यहां पर थे प्राणायाम टेक्निक्स फॉर बिगिनर्स, तो यहीं से हमने निकाला था ये उज्जैयी प्राणायाम। तो जहां से मुझे पता लगा है कि उज्जैयी प्राणायाम पे बहुत पोटेंशियल है, आप रैंक कर सकते हैं और उस पे सीपीसी भी आपको अच्छा मिलेगा, आपको ट्रैफिक भी अच्छा मिलेगा। तो गाइस अभी देखते हैं हम यहां पे भस्त्रिका प्राणायाम। सो गाइस जब हम भस्त्रिका प्राणायाम को सर्च करते हैं तो इसके भी रिजल्ट्स हैं सिर्फ 1,35,000। सो गाइस मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपको गूगल पे जो सर्च रिजल्ट्स हैं उनका नंबर अगर आपको 2-3 लाख के नीचे नीचे दिखता है, सो गाइस दोज कीवर्ड्स आर इजी टू रैंक कीवर्ड्स। आप उन पे एक अच्छी सी पोस्ट लिख के आप उसके हर कीवर्ड्स को अगर कवर करेंगे अपनी पोस्ट्स में तो आप उन कीवर्ड्स पे डेफिनेटली रैंक कर जाएंगे ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल, और वो भी बहुत इजीली विदाउट एनी बैकलिंक्स। और अगर आप बैकलिंक्स क्रिएट कर देंगे तो जो आपकी रैंकिंग होगी वो बहुत जल्दी ग्रो करेगी और आप इजीली गूगल के फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन पे तो ऑब्वियसली फॉल कर ही जाएंगे। सो गाइस जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम में यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट है फ्रॉम happyhindi.com एंड यहाँ पे NDTV का भी है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं योगा मैक्स करके, ये एक बिगिनर की साइट है जो कि अभी न्यूली स्टार्ट हुई है, और ये अगर की साइट रैंक हो सकती है तो गाइस आपकी भी साइट रैंक हो सकती है। आप जरूर चेकआउट करें yogamax.net। इस बंदे ने भी बहुत जल्दी स्टार्ट करा, मैं अभी इसका ब्लॉग चेक कर ही रहा था, ये भी अभी स्टार्टिंग में ऐसे ही कीवर्ड्स को पकड़ रहे हैं जिन पे सर्च वॉल्यूम रिलेटिवली कम है और वो उन पे अपनी साइट को रैंक करवा के बहुत अच्छा सा अपनी साइट पे इनिशियल ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, और वो भी बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। और गाइस अब आप यहां पे जब रिलेटेड सर्चेस में आएंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम पे भी डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स। गाइस आप सब हमसे पूछते रहते हैं कि सर मैं कितने आर्टिकल्स लिखूं, मुझे आर्टिकल्स लिखने की सजेशन दो। गाइस हमसे आप कहां आर्टिकल्स की सजेशन पूछ रहे हो, आप गूगल से पूछो कि मैं कौन से टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखूं। आप जैसे ही अपने कीवर्ड को सर्च करेंगे आपको नीचे रिलेटेड सर्चेस में आपको आपके आर्टिकल्स के सारे टॉपिक्स सारे के सारे टाइटल्स मिल जाएंगे जिन पे आप पोस्ट लिख के अपनी साइट को इजिली रैंक करवा सकते हैं। सो गाइस यहां पे भी आप जैसे देख सकते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम इन तमिल, भस्त्रिका प्राणायाम आर्ट ऑफ लिविंग, तो आप पैटर्न देख सकते हैं गूगल जो फॉलो कर रहा है। गूगल अभी तमिल को लैंग्वेज स्पेसिफिक जा रहा है, लॉन्ग ट्रेलिंग कीवर्ड्स पे जा रहा है, तो आप भी उसको कीजिए। सपोज आप यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम पे भी लिख सकते हैं आर्टिकल, टाइप ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम पे भी आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ टाइप्स ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम, तो गाइज आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लॉन्ग ट्रेलिंग कीवर्ड्स पे जा रहे हैं तो जो हमारा सर्च का रिजल्ट्स है वो कम होता जा रहा है। अब टाइप ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम है, इस पे सिर्फ जो सर्च रिजल्ट्स हैं दैट इज 70,600, और ये रिलेटिवली इजी होगा रैंक करना एज कंपेयर टू भस्त्रिका प्राणायाम। तो अगर आप एक बार टाइप ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम पे रैंक कर जाते हैं तो आप इजीली भस्त्रिका प्राणायाम पे भी ओवर द टाइम रैंक करना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड गाइज अब आप मान लो कि आपको नेक्स्ट पोस्ट लिखना है ऑन भस्त्रिका प्राणायाम, तो आप यहां से देख सकते हैं इन हिंदी पे आप कर सकते हैं या फिर प्रोसीजर पे जा सकते हैं, आप बेनिफिट्स पे लिख सकते हैं। अगर मैं बेनिफिट्स देखूं तो बेनिफिट्स पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 66,200 रिजल्ट्स ही हैं ऑन गूगल, और यहाँ पे भी आप इजीली रैंक कर सकते हैं। सो गाइज आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखें, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि योगा मैक्स रैंक कर रहा है। और गाइज अभी मैं आपको एक और कीवर्ड कोई फाइंड करके देता हूँ जिसपे आप इजीली रैंक कर पाएंगे। सो गाइज सपोज वी गो विद भ्रमरी प्राणायाम। अब भ्रमरी प्राणायाम पे भी आप देख सकते हैं कि 1,08,000 रिजल्ट्स ही हैं, तो आप अगर इस पे रैंक करना चाहें वो भी आप इजीली रैंक कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका सर्च वॉल्यूम दिखाऊंगा, आप इसका भी सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं कि 1K to 10K, ये भी 1,000 से 10,000 के बीच में आ रहा है। इसकी भी जो सीपीसी की वैल्यू है दैट इज बिटवीन 0.28 to 78.97, इसमें भी आपको अच्छा सा सीपीसी मिल जाएगा। सो गाइज आप इस पे भी अपनी पोस्ट को लिख सकते हैं। अगर आप इस पे और इन डेप्थ में आप लॉन्ग ट्रेलिंग कीवर्ड्स को देखेंगे ऑन भ्रमरी प्राणायाम, तो आप यहाँ पे गूगल के जो रिलेटेड सर्चेज है उनमें जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइड इफेक्ट ऑफ भ्रमरी प्राणायाम पे आप पोस्ट लिख सकते हैं। अगर आप कन्नड़ जानते हैं तो आप कन्नड़ में लिख सकते हैं आप उसकी जो स्लीप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जो भी इसके बेनिफिट्स हैं फॉर आईज आप उसके लिए अलग से लिख सकते हैं, जो भी भ्रमरी प्राणायाम के इफेक्ट्स हैं ऑन ब्रेन आप उसको भी कवर कर सकते हैं। सो गाइज
आप किस चीज का वेट कर रहे हो, आप इन्हीं कीवर्ड्स को जो मैंने आपको बताया आप इसी पे एक नया ब्लॉग स्टार्ट कीजिए, आप योगा एंड मेडिटेशन पे वर्क कीजिए, इन पे बहुत अच्छा आपको सीपीसी मिलेगा। हमने भी इनिशियल डेज में उन्हीं कीवर्ड्स को पकड़ा जिनका सर्च वॉल्यूम कम था, जो कि लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड थे जिन पे रैंक करना इजी था, और धीरे धीरे ओवर द टाइम हमारे साइट अच्छे कीवर्ड्स पे भी रैंक होने लग गई। सो गाइस, आपको पहले अपनी साइट की अथॉरिटी को बिल्ड करना है, बजाय आपके आप सबसे पहले एक पोस्ट लिखेंगे ऑन योगा और उसके बाद आप देखेंगे। अब सपोज आप कपाल भाती पे पोस्ट लिखते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कपाल भाती पे ऑलरेडी 23 लाख सर्चेज हैं, तो कपाल भाती पे रैंक करना इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। बट अगर आप कपाल भाती के जगह पर कपाल भाती बेनिफिट्स एंड डेंजर्स पे अगर पोस्ट लिखते हैं तो इस पे गाइस सिर्फ 5830 रिजल्ट्स हैं। आप समझ रहे हो कि कितना इजी रहेगा आपकी साइट को यहाँ पर रैंक करना। अगर और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे कोरा का आर्टिकल भी है जिसपे एक रीसेंट जो आंसर दिया गया है दैट इज इन 2017। तो अगर आप यहाँ पर एक अपना आर्टिकल लिख के यहाँ पे एक आंसर दे देते हैं और वहाँ पे अपनी आर्टिकल का या अपने ब्लॉग का लिंक दे देते हैं या वहाँ पे नाम ही लिख देते हैं कि आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, सो गाइज यहाँ से भी आपको इनिशियल ट्रैफिक आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और गाइज आप जैसे ही नीचे आएंगे आपको यहाँ पे और ज्यादा लॉन्ग ट्रेलिंग कीवर्ड्स जो कि सर्चेज रिलेटेड हैं टू कपाल भाती बेनिफिट्स एंड डेंजर्स आपको वो भी दिखने लग जाएंगे। सो गाइज ये था हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव वे गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करके हम कैसे अपने कीवर्ड रिसर्चिंग करते हैं, कैसे हम कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं जिनसे हमारी साइट बहुत जल्दी रैंक हो जाती है ऑन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ गूगल। सो गाइस, अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन, लाइक बटन दबाओगे तो ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। गाइस, इतनी लेंथी वीडियोस को एडिट करना, उनको बनाना, अपने शेड्यूल में से टाइम निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो वो हम तभी कर पाते हैं जब आप हमें वो लाइक वाला मोटिवेशन देते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पोर्शन समझ नहीं आया या आपकी कोई और सजेशन है किस निश के कीवर्ड्स को हम आपको रिसर्च करके दिखाएं ऑन कीवर्ड प्लानर टूल कि हम उस कीवर्ड को कैसे गो थ्रू करेंगे, कैसे हम उसको अप्रोच करेंगे टू फाइंड द बेस्ट कीवर्ड जिससे कि हम इजिली रैंक कर सकते हैं विद इन डेज, विद इन वीक्स, और हमें ईयर्स के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा टू गेट ट्रैफिक टू आवर साइट। सो guys, you can let us know in the comment section below and we will try to bring that video as fast as possible. That's all for this video guys. I'll meet you in the next one. Till then, bye bye.